प्रेज लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। आज हम इस खास वीडियो में दिखाने जा रहे हैं हम आपको टेंपल ऑफ माउंट के बारे में। ये वो मंदिर है जिसको सुलेमान ने बनाया था। परमेश्वर ने उसकी आज्ञा दी थी और उसी के अनुसार ये मंदिर बनाया गया, और आज हम उसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। तो ज़रूर से इस मंदिर के विषय में, जो बहुत ही खास माना जाता है, यरूशलम में यह स्थापित है और सुलेमान ने कई वर्ष लगाकर परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इस मंदिर का निर्माण किया और बहुत खूबसूरत और भव्य ये मंदिर बन सका। इस वीडियो में आगे चलने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से लाइक करें और वीडियो पूरा देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। ये वो स्थान है जहां पर अब्राहम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए ले गया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और ये वही जगह है जहां पर याकूब ने दर्शन में स्वर्ग तक की सीढ़ियां देखी थी। और ये माना जाता है कि ये वही जगह है जहां से परमेश्वर ने इंसान की पहली रचना की थी। आदम के रूप में इसी मिट्टी से उसने आदम को रचा था। पवित्र बाइबल के अनुसार हम इस बात को जान पाते हैं कि इस मंदिर का निर्माण दाऊद अपने हाथों से करना चाहता था। उसके मन में ये एक इच्छा थी कि वो उसको बना सके, पर युद्ध करने के कारण उसके हाथ खून से रंगे हुए थे, जिसके कारण परमेश्वर ने इस पवित्र मंदिर का निर्माण करने के लिए उसके पुत्र को चुना जिसका नाम सुलेमान है। इसी वजह से दाऊद जब तक जीवित रहा उसने इस पर्वत पर खेती किसानी की, और जो मंदिर वो खुद बनाना चाहता था उसकी पूरी तैयारी करके उसने सुलेमान को वो सब कुछ बताया ताकि वो इस खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर सके। और साथ ही जब हम इस मंदिर को पिक्चर्स में या बाइबल के अनुसार देखते हैं तो इसमें हम एक गुंबद देखते हैं जो गोल्ड का है, सोने का है, और माना जाता है ये वो पवित्र स्थान है जिसमें वाचा का संदूक रखा गया, और यह जगह डोम ऑफ द रॉक कहलाती है। यह भव्य डोम ऑफ द रॉक, ये वो गुंबद है जो सोने का बना हुआ है, और इसकी खूबसूरती दूर तक दिखाई देती है। और इसका निर्माण परमेश्वर की आज्ञा अनुसार सुलेमान ने किया। आप इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार इसकी खूबसूरती है और किस प्रकार इसी के अंदर एक पवित्र स्थान बनाया गया जहां पर वाचा का संदूक, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, उस वाचा के संदूक को इसमें रखा गया और इसका निर्माण इस तरीके से पूरा किया गया सुलेमान के द्वारा। यह वही भव्य मंदिर है जो सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बना के तैयार किया, और आज भी जब हम इसको देखते हैं पिक्चर्स में या जो लोग वहां पर जाकर इसको देखते हैं वो परमेश्वर की तारीफ करते हैं। हम और कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं जो पवित्र बाइबल में से मिलती है। जब हम इतिहास की किताब खास करके पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है कि जब यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, इस पर एक पवित्र स्थान बनाया गया जिसमें वाचा का संदूक रखा गया। साथ ही मंदिर बनने के बाद सुलेमान ने बहुत ढेर से बलिदान किए और परमेश्वर को वह बलिदान अर्पित किए, और परमेश्वर ने स्वर्गों से आग को गिराया इस मंदिर पर और उस बलिदानों को ग्रहण किया। उस बलिदानों को ग्रहण करने का मतलब यह है कि परमेश्वर इस मंदिर के बनने के द्वारा बहुत खुश था। और हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार से याजक सुलेमान और ढेर याजक वहां पर आकर आराधना किया करते थे, और किस प्रकार से परमेश्वर का तेज
उस मंदिर में भर जाया करता था और परमेश्वर का तेज इतना ज्यादा होता था कि वो उस पूरे मंदिर में घिर जाता था, कि याजक भी वहां खड़े होकर आराधना नहीं कर पाते थे। ये मंदिर इतना खूबसूरत बनाया गया और खास करके जब हम वाचा के संदूक के बारे में पढ़ते हैं तो ये वही वाचा का संदूक है जिसके विषय में दाऊद ने कहा कि हम तो महलों में रहते हैं पर वाचा का संदूक तंबुओं में रहता है, और ये वाचा का संदूक तंबुओं से उठाकर इस भव्य खूबसूरत मंदिर में लाकर अर्पित किया गया। और ये इतना खूबसूरत मंदिर था कि शीबा की रानी इस मंदिर को देखने के लिए वहां पर पहुंची और सुलेमान ने इस मंदिर को दिखाया और शीबा की रानी इसकी खूबसूरती को देखकर इतना ज्यादा खुश हुई, इतना प्रसन्न हुई, इतना उसका मन खुशी से भर गया कि उसने ढेर से बलिदान, ढेर से तोहफे और बहुत रुपया, बहुत सोना, बहुत चांदी और बहुत जेवर, ये सब चीजें सुलेमान को दी और सुलेमान को अर्पित की। और लगभग ये एक सबसे बड़ी ऑफरिंग थी या सबसे बड़ी एक भेंट दी जो कोई इस मंदिर के लिए लेकर आया था। यही वह मोरिया पर्वत है जहां पर अब्राहम ने वेदी बनाई थी। ये वही वेदी है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को यह आज्ञा दी थी कि जाकर अपने बेटे इसहाक को, जो उसे उसकी बुजुर्गी में मिला था, उसे ले जाकर उसे बलिदान करना था। और तड़के सुबह वो उठकर अपने सेवकों के साथ गया और अपने हाथ में उसने छुरी को लिया, लकड़ियों को लिया और इस वेदी के पास गया। और जब इस पर्वत पर वो पहुंचा तो उसने अपने बेटे को उन लकड़ियों के ऊपर उस वेदी पर लिटाकर उसे छुरी से, जब वो बलिदान करने ही वाला था, उसी समय परमेश्वर ने उसको रोका और कहा, हे अब्राहम, अपने हाथ रोक ले और इस बेटे पर छुरी ना चला। और दूर उसने एक झाड़ियों में एक मेमने का इंतजाम किया जो उस वेदी पर बलिदान किया जाए। परमेश्वर अब्राहम की इस आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुआ और हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम ने इसी पर्वत पर एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम यहोवा येरे रखा, जिसका मतलब होता है यहोवा इंतजाम करता है, यहोवा उपाय करता है। ये वही पर्वत है जहां पर अब्राहम ने मेलकिसेदेक याजक को अपनी सब वस्तुओं में से दशवांश दिया और परमेश्वर को खुश किया। और परमेश्वर अब्राहम से इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, क्योंकि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने से भी ना चूका, क्योंकि वह परमेश्वर के सामने ताउम्र अपने जीवन भर आज्ञाकारी बना रहा और परमेश्वर को प्रसन्न करने से वो एक भी लम्हा ना चूका। और जो भी वो परमेश्वर के लिए कर सका अपने जीवन में, वो अब्राहम ने बहुतायत से किया। परमेश्वर ने अब्राहम को ताउम्र आशीषों से, बहुतायत से भरा। और वही ये अब्राहम है जिसके पास कोई भी पुत्र ना था पर परमेश्वर ने उसे इसहाक की आशीष दी और उसकी आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर ने उसे जातियों का मूल पिता ठहराया। यही वो पर्वत है जिसको हम देख रहे हैं जहां पर इसहाक को बलिदान करने के लिए अब्राहम आया था। ये वही मंदिर है जिसके बारे में हम पवित्र बाइबल में से पढ़ते हैं। ये वो मंदिर है जो कई बार तोड़ा गया और कई बार इसका निर्माण भी किया गया।
जब हम इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से हिजकिय्याह ने इस मंदिर का निर्माण किया। जब हम पवित्र बाइबल में इस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं और खास करके इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो न सिर्फ हम सुलेमान के बारे में पढ़ते हैं पर हम ये जानते हैं कि इस मंदिर को कई बार ढाया गया और कई बार इसका निर्माण नई तरीके से फिर से किया गया। जब हम पढ़ते हैं हिजकिय्याह ने इसका निर्माण किया, जरुब्बाबेल ने इसका निर्माण किया और किस प्रकार से जब मंदिर की शहरपना और वहां की दीवारें फाटक जला दिए गए थे, गिरा दिए गए थे, समय पर नहेमिया ने उन दीवारों को और फाटकों को फिर से बनाया उन 52 दिनों में, ताकि फिर से परमेश्वर का काम वहां पर होने वाला हो सके। हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इज़राइली परमेश्वर के साथ वफादार नहीं थे और जब जब ये मंदिर तोड़ा जाता था, इसके फाटक भी जब जलाए गए, तो बहुत से हजारों और लाखों की तादाद में इज़राइली इस जगह को छोड़कर चले गए थे। पर जब फिर से इसका निर्माण किया गया अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, जिस प्रकार से हम नहेमिया के बारे में पढ़ते हैं, जब इसका निर्माण किया गया, इसके फाटक बनाए गए, इसकी दीवारें खड़ी की गई, शहरपना बनाया गया, तो फिर से इज़राइली लौटे और फिर से इसमें परमेश्वर के वचन का काम शुरू होने वाला हो सका। क्योंकि परमेश्वर दाऊद से अति प्रसन्न था और परमेश्वर ने दाऊद से यह वाचा बांधी थी कि मैं तेरे वंश को सदा बनाए रखूंगा, और उसने सुलेमान से भी ये वायदा किया, ये वाचा बांधी इस मंदिर के निर्माण के बाद और उसको कबूल करने के बाद कि इस मंदिर में से जो भी प्रार्थनाएं उठेंगी, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं की ओर अपनी आंखों को नित लगाए रहेगा और अपने कानों को नित खोले रहेगा ताकि वो उनकी प्रार्थनाओं को सुन सके। और ये भी कहा जाता है वचन के अनुसार कि यदि कोई परदेशी भी दूर से इस मंदिर की ओर अपने हाथों को करके प्रार्थना मांगेगा तो परमेश्वर स्वर्गों से उसकी भी प्रार्थना सुन लेगा। हम आज भी 21वीं शताब्दी में जब इस मंदिर के बारे में पढ़ते हैं पवित्र वचन में से, तो ना सिर्फ ये बातें पवित्र वचन में ही पाई जाती हैं पर आज भी यरूशलम में इस मंदिर को देख सकते हैं और साथ ही वो शहरपना जो नहेमिया के द्वारा बनाई गई, वो निर्माण कार्य जो हिजकिय्याह के द्वारा किए गए, वो निर्माण जो जरुब्बाबेल के द्वारा किए गए, आज भी उस जगह पर, उस पर्वत पर ये अवशेष पाए जाते हैं। और बहुत से स्कॉलर्स ने इसके विषय में बहुत अच्छी बातों को भी लिखा है और साथ ही वचन की एक भी बात झूठी नहीं, क्योंकि जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं तो जैसा जैसा परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हम बिल्कुल उसी तरीके से इस निर्माण को आज भी देख पाते हैं। हम ना सिर्फ पुराने नियम में पर पवित्र बाइबल के नए नियम में भी इस पर्वत के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। आपको याद होगा कि जब जकरिया मतलब यहुन्ना का पिता, उस समय पर अपनी बारी के अनुसार जिस मंदिर में वो धूप वेदी को लेकर परमेश्वर के समीप उसकी आराधना कर रहा था, उस समय पर उसी पर्वत पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसे दर्शन देकर बताया था कि तेरे एक पुत्र होगा और तू उसका नाम यहुन्ना रखना। यहुन्ना है जिसने यीशु मसीह के आने से पहले मन फिराव का प्रचार किया
और ये वही यहूना है जिसने अपने हाथों से यीशु मसीह को बपतिस्मा भी दिया। और ये वो पर्वत है जहां पर यीशु मसीह के माता पिता मरियम और यूसुफ उसके पैदा होने के 8 दिन बाद उसे अर्पित करने के लिए आए थे। ये वही मंदिर है जहां पर शमौन उस बालक को देखने की बात जोता था जो बालक जगत का उद्धारकर्ता होकर आ रहा था, और वो बालक यीशु मसीह था। ये वही मंदिर है जिस मंदिर में हन्ना बनी रहती थी। ये वही हन्ना है जो 84 वर्ष से विधवा थी और वो मंदिर की सेवा में लगी रहती थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वचन के अनुसार ये वही मंदिर है जिस मंदिर में जब यीशु मसीह छोटा था तो वो अपने माता पिता के साथ प्रतिवर्ष भेंट अर्पण करने के लिए इसी मंदिर में आता था। जब यीशु थोड़ा बड़ा हुआ और जब उसकी उम्र लगभग 12 साल की थी तो प्रतिवर्ष की तरह जैसे वो अपने माता पिता के साथ आता था उस वर्ष भी वहां पर था। और जब उसके माता और पिता वापस अपने नगर को जा रहे थे तो यीशु उनके साथ ना था। लगभग 3 दिन के सफर के बाद उनको ये पता चला कि यीशु हमारे साथ नहीं। और जब वो वापस यरूशलम में अपने बालक यीशु को ढूंढने के लिए आए तो उसे मंदिर में 12 साल की उम्र में पवित्र वचन में से उपदेश देते हुए पाया। वो मंदिर में सदूकियों और फरीसियों के सामने उपदेश देता था। और जब उसके माता पिता ने कहा तू कहां रह गया था तो उसने ये कहा कि क्या तुझे नहीं पता कि मुझे अपने पिता के घर में रहना आवश्यक है। और जब हम पवित्र वचन के नए नियम के पाठ में इसे पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं ये वही मंदिर है जहां पर यीशु मसीह ने विजय प्रवेश किया। और जब उसने उस मंदिर की शोभा को देखा और ये देखा कि वहां पर बहुत से व्यापारी, कबूतर बेचने वाले, सर्राफ और बहुत और व्यवसाय करने वाले लोग वहां पर व्यवसाय कर रहे हैं तो उसने कोड़ा बनाया और उनके व्यवसाय को उलट पुलट कर दिया ताकि उस जगह पर लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए उस मंदिर में आ सकें। और लिखा हुआ है कि किस प्रकार से उसने उनके व्यवसाय को उलट पुलट करके उन्हें मंदिर में से निकाल दिया और यह कहा ये मंदिर परमेश्वर का भवन है और तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो। यह वही मंदिर है जहां पर यीशु मसीह सबत के दिन आया करता था। और इसी मंदिर के अंदर से उसने बहुतेरे उपदेश वहां के लोगों को दिए और मंदिर के बाहर उसने बहुतेरे आश्चर्यकर्म किए जिन आश्चर्यकर्मों का वर्णन हम पवित्र बाइबल के नए नियम में से पढ़ते हैं। और यह बतलाया जाता है यीशु मसीह ने उसके मारे जाने से पहले, उसके क्रूस उठाने से पहले मंदिर में आकर बहुतेरे विशेष और बड़े उपदेश दिए। ऐसे उपदेश जो लोगों को चकित करते थे, जो सदूकियों और फरीसियों को भी चकित करते थे। और परमेश्वर इसी मंदिर में से अपने पिता की इच्छा को पूरा कर रहा था। तत्पश्चात हम यह पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जब स्वर्गों पर उठा लिया गया उसके बाद जब पतरस ने, जो नए नियम का खादिम कहलाता है, जब उसने प्रचार किया तो उसी दिन उस प्रचार के द्वारा 3,000 लोगों के दिल छिद गए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। और इसी मंदिर में आकर उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई की और प्रतिदिन इनकी मंडली का स्तर बढ़ता रहा। और वो प्रतिदिन मंदिर में इकट्ठा हुआ करते थे और आराधना करने के साथ साथ वो प्रतिदिन एक साथ रोटी भी खाया करते थे। और ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हमने आपको इस मंदिर के विषय में और इस पर्वत के विषय में दी हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, और साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्द हम इसके दूसरे हिस्से में चलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और शेयर करें।